हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा फैब्रिकेशन वर्क के बारे में। तो फैब्रिकेशन वर्क है क्या चीज़, ये बहुत से लोगों को पता नहीं रहता दोस्तों, तो मैं आज उसी के बारे में ये वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है विक्की ठाकुर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाबा टी। तो चलिए दोस्त, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, ताकि आपको पूरा प्रॉपर समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्त, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे दोस्त, बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम रहता कि फैब्रिकेशन वर्क है क्या, तो मैं आज आपको बताऊंगा दोस्तों फैब्रिकेशन वर्क है क्या चीज़। जैसे आपके आसपास में अक्सर देखने को मिलता है, जैसा एक सिविल कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो उसमें क्या रहता है दोस्तों, एक ड्राइंग रहता है, तो ड्राइंग के अकॉर्डिंग हिसाब से हम लोग बनाते हैं। इधर किचन बनाना है, इधर बेडरूम बनाना है, या जो भी काम करना है, बाउंड्री वॉल वगैरह करना है, ये सब सिविल कंस्ट्रक्शन का काम होता है। वैसे दोस्तों, हमारे फैब्रिकेशन में भी यही सब यूज होता है। तो फैब्रिकेशन में दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, लोहे का यूज करते हैं। हम लोग टोटल उसमें लोहे का ही सामान यूज करते हैं। जो लोहे से कोई नया जॉब बनाते हैं, हमारे पास भी एक ड्राइंग रहता है, तो ड्राइंग के हिसाब से हम उसको मेंशन करके एक नया प्रोजेक्ट का, नया काम का निर्माण करते हैं। ये हमारा फैब्रिकेशन वर्क है। तो जैसे दोस्तों, आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा ये ड्राइंग रहता है दोस्तों इस प्रकार से। तो ड्राइंग के हिसाब से हम मटेरियल को, जैसे कोई भी लोहा है, एंगल, चैनल, बीम वगैरह है, उसको हम एक कटिंग टार्चर की मदद से कटिंग करते हैं, ग्राइंडिंग की मदद से ग्राइंडिंग करते हैं, उसके बाद ड्राइंग के अकॉर्डिंग के हिसाब उसको हम फिटअप करते हैं। फिटअप करने के बाद दोस्तों, इस प्रकार से हम उसको वेल्डिंग करते हैं। वेल्डिंग होने के बाद दोस्तों, हमारा जाप क्या हो जाता है, बन के तैयार हो जाता है। तो वो एक नया जाप बन के जो तैयार हुआ दोस्तों, ये हमारा फैब्रिकेशन वर्क का एक हिस्सा है, मतलब फैब्रिकेशन वर्क है, जिसको हम एक नया ड्राइंग को हम मॉडिफाई करके बनाए हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि फैब्रिकेशन वर्क है क्या। दोस्तों, लोहा से जो रिलेटेड चीज है, जैसे आपके आसपास में देखने को मिलता होगा, जैसे आपके घर में जैसा खिड़की हो गया, दरवाजा हो गया, शटर हो गया, ये सब फैब्रिकेशन से ही बना है, वो फैब्रिकेशन वर्क से ही बना है वो। तो लोहा से जो भी रिलेटेड चीज है, वो हमारा फैब्रिकेशन वर्क है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि फैब्रिकेशन वर्क है क्या। फैब्रिकेशन वर्क एक नया कार्य का निर्माण जो है, फैब्रिकेशन वर्क है। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले, ताकि आने वाला मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको फैब्रिकेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल करना है, तो बिल्कुल मेरे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।